यूपी के सीतापुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीती रात रोडवेज बस स्टॉप के सामने ढाबे पर एक युवक की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई। सरेआम हुई इस गोलीबारी से इलाके में भगदड़ मच गई। बढ़ती भीड़ को देखकर हमलावर ने खुद को एक ढाबे के कमरे में बंद कर लिया। वहीं पुलिस ने आकर हमलावर को हिरासत में ले लिया है। दृश्य से अभी उनको ऐसे लग रहा है 315 बोल्ट से 3 गोली लगी है, और खाने के लिए यहाँ बैठे होते ढाबा के अंदर इनके आसपास गोली मारी गई है। विवेचना जारी है, उसके आगे पता चलेगा। हरदोई में सवायजगंज में दिव्यांगों की स्ट्राइक साइकिल और अन्य उपकरण वितरित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के अध्यक्ष बाबूराम निषाद ने प्रियंका और राहुल पर तंज कसा। बाबूराम निषाद ने कहा कि राहुल को राजनीतिक समझ नहीं है, वो सिर्फ राजघराने के हैं। प्रियंका की राजनीति में आने को लेकर बाबूराम ने कहा कि चेहरों के आधार पर आकलन नहीं, बल्कि जनता काम देखकर आकलन करती है। सामने नहीं आया है, सिर्फ चेहरा सामने आया है, और चेहरों के आधार पर हिंदुस्तान की और प्रदेश की राजनीति नहीं होने वाली है। यहाँ आपकी अपनी सोच और आपकी अपनी शैली और समाज हितों में आप कितना योगदान करते हैं उसका संज्ञान समाज लेता है। चेहरे के आधार पर आकलन समाज नहीं करता है, कर्म के आधार पर समाज आकलन करता क्या, है क्या फर्क पड़ेगा प्रियंका गांधी के बारे कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे चेहरे राजनीतिक क्षेत्र में तमाम अन्यत्र आकर राजनीतिक रोटी चुकने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से यही अस्त्र उनका होगा। मैं कह सकता हूं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और लगातार राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे मोदी जी पर आरोप लगाना, मैं चैलेंज करता हूं कि जो चोर शब्द आप आदरणीय मोदी जी के लिए आप पेश करते हैं, बार बार कहते हैं, जनता समझती है, पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चोर शब्द आपको ले डूबेगा, और आप में जरा भी राजनीतिक सूझबूझ हो तो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री को प्रयागराज जाने से रोकने का विरोध हर जगह हो रहा है। शामली में भी सपाइयों ने प्रदर्शन कर यूपी सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं प्रदर्शन कर रहे सपाइयों ने सरकार का पुतला फूंकने की भी कोशिश की। वहीं प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे को भी जाम किया। कल जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ जो दुर्व्यवहार लखनऊ में हुआ, हम उसका विरोध, उसकी निंदा करने, उसका विरोध दर्ज कराने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जो ये बीजेपी सरकार के कहने पर जिस तरीके से वहाँ पर अधिकारियों को भेजकर पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार करके उनको जबरदस्ती कार्यक्रम में जाने से रोका गया, हम लोग उसका विरोध करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए यहाँ पर है।